लैंडस्लाइड हुआ है, आपने भी आपातकालीन बैठक ली है, सर क्या चर्चा थी? देखिए ये आपने देखा कि ये पहले एक दिन पहले भी ये स्लाइड आया, तो कल जो पार्शियली रुका हुआ पोर्शन था जिसपे ऊपर रोड पर जो है ग्रीन शेल्टर था, वो भी जो है शाम को लगभग 8 बजे के आसपास जो है वो उसके नीचे आ गया। तो ऑलरेडी क्योंकि इसमें प्रिकॉशंस हमने पहले ली थी तो इसको काफ़ी इससे किसी को कोई किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि इसमें रेन शेल्टर आया है, कुछ पेड़ आए हैं और रोड को जो है वो मेजर डैमेज हुआ है इसके बीच में। घरों को आसपास एज सच कोई नुकसान नहीं है क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है, जो लैंडस्लाइड ऑब्जर्वर डिस्टेंस है उसके थोड़ा नज़दीक में कुछ ऑफिसेज भी हैं, तो अभी कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान की वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है। अधिकारियों को किस तरह की दिशा? देखिए ये क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इस लैंडस्लाइड के कारण हमारी 2 सड़कें जो हैं मुख्य सड़कें जो हैं वो बाधित हो गई हैं और पूरी तरह से बाधित हुई है। एक तो जो बालूगंज से चौड़े मैदान की ओर आती है और दूसरी जो है वो बालूगंज से नीचे क्रॉसिंग पर आकर मिलती है। अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी मूवमेंट इन्हीं रोड से रहती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है और किस तरह का स्लाइड है और इसकी नेचर कैसी है, तो ये और कौन कौन से इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स क्या हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन का कैसे सिस्टम को बनाए रखना है और हमने लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सबका सबकी पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।